हेलो दोस्तों, रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स और ग्राफ। गाइज, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल इस पूरे यूनिट के हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है इंटीग्रेटेड इक्वेशन और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। लेट्स बिगिन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए, ग्राफ के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे कवर करना है और प्रॉपर कवर करना है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। गाइस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? तो वो रिएक्शन जिनका रेट उनके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। रिमेंबर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन, गाइस ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, K is equals to A naught minus A upon T। A नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसे स्मॉल a से भी दिखा सकते हैं हम लिखकर, और कैपिटल A का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट ज्यादा होता है और रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट कम हो जाता है, तो पहले की वैल्यू इनिशियल और बाद की वैल्यू जो कम होने के बाद मिलती है वो फाइनल कंसंट्रेशन। इसी का हाफ लाइफ पीरियड, गाइस हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हम सब जानते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब वो टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है। 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उतने टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2k, k है कॉन्स्टेंट। अब इसी इक्वेशन को अगर आप A और T के बीच ग्राफ प्लॉट करते हो, इनी कंसंट्रेशन ऑफ A और T के बीच ग्राफ प्लॉट करते हो, तो गाइस उसका स्लोप आएगा माइनस K और ये ग्राफ बनेगा जीरो ऑर्डर के लिए। रिमेंबर, जीरो ऑर्डर की पहचान है जहां पे A और T का ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप होता है और A अकेला रहता है, और वहीं अगर लॉग ले लेंगे A पे तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। तो दोस्तों, ये इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है और ये इसका ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिखना, एक साथ प्रैक्टिस करना। अब जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ना तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ना ही क्लोरीन का कंसंट्रेशन, दोनों ही रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, इसलिए जीरो ऑर्डर। HI का ब्रेक होना, गाइस अगर HI गोल्ड की सरफेस पर ब्रेक होगा तभी जीरो ऑर्डर है, और अगर किसी की भी सरफेस नहीं है, एरो पे कुछ नहीं लिखा, तो ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल माना जाएगा। एंजाइम रिएक्शन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में MCQ आ चुके हैं, तो MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइम रिएक्शन फॉलोज डैश काइनेटिक। कौन सी काइनेटिक फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो एंजाइम रिएक्शन जीरो ऑर्डर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड, उसका हाफ लाइफ, उसका ग्राफ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है K is equals to 2.303 upon T, T मतलब टाइम, log A naught upon A। A naught मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, A naught की जगह स्मॉल a और कैपिटल A की जगह A माइनस X लिख सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज लिखने का तरीका अलग। वही फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और अगर इस इक्वेशन में मैं लॉग ए और टी के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ये ग्राफ आएगा, ग्राफ का स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303। अगर लॉग ए और टी के बीच आप ग्राफ देखो और उसका स्लोप डिक्रीजिंग जा रहा है, तो गाइस ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिमेंबर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में मैच द कॉलम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में हमें ग्राफ दिया जाता है, हमें उसका ऑर्डर पहचानना पड़ता है। अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, और साथ में
न्यूक्लियर डिके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर डिके रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा हिंट है जो आप लोग न्यूमेरिकल में काम आएगा, हम न्यूमेरिकल करेंगे अलग से करेंगे, ध्यान रखना एक अलग वीडियो जिसमें कंप्लीट यूनिट के न्यूमेरिकल्स। तो गाइस वो हिंट ये है कि एग्जामिनर हमसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पूछता है, हमें बोलेगा कि 90% रिएक्शन हो रहा है 10 मिनट्स में, तो बताओ 50% रिएक्शन कितने मिनट में होगा। गाइज आपको 50% के अलावा जो भी टाइम देंगे उस टाइम को आप टी मान लेना, उसको टी मानोगे, ए नॉट और ए की वैल्यू दी जाएगी, इनकी वैल्यू रख के के निकल जाएगा और यहां से के उठाकर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमें हाफ लाइफ पीरियड मिल जाएगा 50% रिएक्शन का टाइम। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे इसे एक जगह लिखो, अगर अभी तक नोट्स में आप लोगों ने नहीं लिखा है तो इसको कहीं एक जगह फ्रेम करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। दोस्तों इंटीग्रेटेड इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, साथ में उसका हाफ लाइफ पीरियड भी हो गया है। अब एक वैरायटी और है जिसको हम कवर कर लेते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल हम एक सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल कुछ कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कई बार एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास 100 ग्राम सब्सटेंस है, 200 ग्राम सब्सटेंस है, तो बताओ 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ्स के बाद कितना हो जाएगा। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, व्हाटएवर द वैल्यू जो भी इनिशियल दी गई है रिएक्टेंट की, डिवाइडेड बाय 2 to the power n। और यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, अगर 3 हाफ लाइफ बोला तो n की जगह 3 रख देंगे हम, 4 हाफ लाइफ बोलेगा तो n की जगह 4 रख देंगे। अब अगर n की वैल्यू दी ही नहीं गई है तो इसका भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n निकालने के लिए टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t हाफ करो, n आ जाएगा, n को उठाकर यहां रखो, आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने यहां पर, आप देख सकते हो, स्टार्टिंग विद 100 ग्राम रिएक्टेंट, हम 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें बताना है आफ्टर 4 हाफ लाइफ रिएक्टेंट कितना बचेगा। तो गाइस इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट लेफ्ट is equals to initial value divided by 2 to the power n, initial value 100 gram दी है divided by 2 to the power n, n का मतलब number of half lives, कितनी half lives है 4, तो divided by 2 to the power 4, मतलब यह आ जाएगा 100 divided by 16, और finally जब आप इसे calculate कर लोगे तो answer आएगा 6.25। तो गाइस आफ्टर 4 हाफ लाइफ के बाद अमाउंट जो बचेगा वो 100 ग्राम से कम होते होते कितना बचेगा, 6.25। कई बार आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4 हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है, तो दोस्तों कंज्यूम का पता कैसे करना है, आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो माइनस जितना अमाउंट लेफ्ट हुआ है, तो 100 माइनस 6.25 कर दूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू जो आएगी वो बता रही है कि कंज्यूम कितना हुआ है, 95.75। तो दोस्तों इस तरह अमाउंट लेफ्ट हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। गाइस क्या बिना हीट के, बिना फायर के किसी कोल के पीस को हम जला सकते हैं, क्या बिना हीट के वाटर वेपराइज हो सकता है या एवोपरेशन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाटर को वेपराइज होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए और वो प्रॉपर एनर्जी जो वाटर को वेपराइज होने में हेल्प कर रही है उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट फायर फ्यूल का कंबशन पॉसिबल नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन फ्यूल का कंबशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एक्टिवेट हो रहा है। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हम लोग अब पढ़ रहे हैं इस यूनिट में जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी होती है जिसे एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि वो रिएक्ट करना शुरू करे, क्योंकि जब वो रिएक्ट करना शुरू करेगा तब जाकर रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिमेंबर स्टार्ट होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो रिएक्शन को रिएक्ट कराने के लिए जो डेफिनेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एडिशनल एनर्जी का नाम है, रिमेंबर एडिशनल एनर्जी,
ये एडिशनल एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करा जाता है गाइस ईए से, ई एनर्जी के लिए और ए एक्टिवेशन के लिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूले को आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, ये ईटी है थ्रेशोल्ड, क्या होता है मैं बता रहा हूं, माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ईआर जो है वो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। दोस्तों एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट तब तक समझ में नहीं आता जब तक थ्रेशोल्ड ना पढ़ लें और ये ग्राफ ना देख लें। तो चलो पहले थ्रेशोल्ड पर ग्राफ पे आते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट तभी रिएक्ट कर पाते हैं और प्रोडक्ट बना पाते हैं जब उनके बीच कोलिजन होता है। कोलिजन करने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, रिमेंबर मिनिमम एनर्जी या एडिशनल एनर्जी लेके तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब उनको एनर्जी प्रॉपर मिलेगी तो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और उसके बाद देंगे प्रोडक्ट। तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है, उस मिनिमम एनर्जी का नाम है जो रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस मिनिमम एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड। तो गाइस दोनों में डिफरेंस है। एक्टिवेशन एनर्जी एडिशनल एनर्जी है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन कर रही है, रिमेंबर इफेक्टिव कोलिजन। दोस्तों ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इससे रिलेटेड बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक नेचर का है, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इसलिए प्रोडक्ट को नीचे बना रहा हूं मैं। देख लो रिएक्टेंट को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, तब जाकर उस बैरियर को क्रॉस करके वो प्रोडक्ट बन पाता है, और वो बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। जब तक रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए भी उसको कुछ एडिशनल एनर्जी चाहिए, तो वो एडिशनल एनर्जी जो रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाती है, उस एडिशनल एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो गाइस ये कितनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास खुद की है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट से ऊपर है, आप देख सकते हो। इसने थोड़ी सी और एनर्जी ली, ये इतनी एडिशनल एनर्जी ली, इस एडिशनल एनर्जी को लेके ये इस बैरियर तक पहुंचा और बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बन गया। तो ये एडिशनल एनर्जी एक्टिवेशन कहलाएगी, और ये बैरियर जिसके बाद वो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाएगा वो बैरियर कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोस्तों ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए मैंने एक्टिवेशन एनर्जी आगे के लिए रिएक्शन जो कर रहा है उसके लिए भी एक्टिवेशन का साइन बनाया, और बैकवर्ड के लिए भी। रिवर्सिबल हम लोग जानते हैं, अच्छा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट वापस बन सकता है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन रहा है तो जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसलिए एफ लगा रहा हूं, और जो बैकवर्ड के लिए है वो बी लगा रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, आप देख सकते हो ग्राफ, और फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो गाइस रिवर्सिबल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। गाइस ये दोनों डेफिनेशन और इन दोनों डेफिनेशन के साथ ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, आप इसे नोट करो, ग्राफ प्लॉट करो, बहुत जरूरी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा अरिहीनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो जो एडिशनल एनर्जी चाहिए ना थ्रेशोल्ड तक पहुंचने तक उसे एक्टिवेशन बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक बैरियर का काम करती है जिसको क्रॉस करेगा रिएक्टेंट तभी जाकर बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि वो बैरियर इफेक्टिव कोलिजन कराता है। तो ऐसा तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसी से रिलेटेड है अरिहीनियस इक्वेशन। 12th बोर्ड एग्जाम में अरिहीनियस इक्वेशन कैसे इसको सॉल्व करना है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। इट इज वेरी सिंपल। अरिहीनियस इक्वेशन सबसे पहले हमें बताती क्या है, एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करा अरिहीनियस ने और बताया कि आखिर कैसे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू मतलब के की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो रेट कॉन्स्टेंट दैट इज के और टेम्परेचर टी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बताया वो बताया अरिहीनियस ने, और अरिहीनियस ने एक इक्वेशन दी, बहुत अच्छी इक्वेशन दी, K
is equals to a e to the power minus ea upon rt. यहाँ पर k है कांस्टेंट, a है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. गाइस हरे हर सेकंड रिएक्टेंट कितनी बार कोलिजन कर रहा है, the number of collision per second, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन. e एक्सपोनेंट फैक्टर इससे कोई मतलब नहीं है. ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, r इज अ कांस्टेंट और t है टेम्परेचर. दोस्तों ये इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है, आप लोग ध्यान से देखो. और इसी इक्वेशन पे अगर मैं लॉग ले लूं दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड, तो लॉग लेने के बाद यही इक्वेशन ये बन जाएगी, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आरटी. लॉग लेने के बाद यही इक्वेशन ये बन जाएगी. और इस लॉग के बाद ये जो इक्वेशन दिख रही है इस पे हमेशा ग्राफ पूछा जाता है, हमेशा ग्राफ आता है. तो इसका ग्राफ क्या है, जब मैं लॉग के और टी के बीच, एग्जैक्टली टी अकेला नहीं है, ये टी है अपॉन में 1 बाय टी. तो जब लॉग के और 1 बाय टी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 1 अपॉन टी, वाई एक्सिस पे आ जाएगा लॉग के, और इसका स्लोप होगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर. दोस्तों कई बार 12th बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि एग्जामिनर ने स्लोप की वैल्यू दी है, बिल्कुल सही स्लोप की वैल्यू दी है और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है. तो करना क्या है, स्लोप की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर, आर की वैल्यू रखना, गिवन रहेगी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. हमने 2.303 आर की वैल्यू रखी, स्लोप की वैल्यू रखी और इस तरह हमारा एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी. और फाइनली अगर मैं इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन ग्राफ वाली है, अगर इसी में टू डिफरेंट कांस्टेंट और टू डिफरेंट टेम्परेचर लूं तो वो इक्वेशन ये बन जाएगी. और दोस्तों ये वाली इक्वेशन log k2 upon k1 is equals to ea, माइनस नहीं है दोस्तों, गाइस यहां पर माइनस बिल्कुल नहीं है, माइनस नहीं है. तो log k2 upon k1 is equals to ea upon 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2. और ये इक्वेशन हमारे काम आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए. तो गाइस आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन इक्वेशन से सॉल्व होंगे. अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो. तो गाइस फाइनली हमारा यहां पर अर्हीनियस इक्वेशन कंप्लीट होता है. आप लोग अर्हीनियस इक्वेशन पर देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे. लेकिन इससे पहले आज जब यूनिट कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग अर्हीनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना. 4.23, 4.26, 0.27, 4.28 एंड 4.30. और इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये थ्री हैं. 4.26 गाइस मस्ट है, बिल्कुल ट्राई करना. 4.28 और 4.30 ये हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. दोस्तों रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस यूनिट को लेते हुए चल रहे हैं. और यहां पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स यूनिट भी कंप्लीट होता है. कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के लिए होल्ड करे हुए हैं, जैसे इनिशियल रेट मेथड, जिससे न्यूमेरिकल करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन के लिए होल्ड करके रखे हैं वो मैं यहां पे नहीं कर पा रहा हूं, वो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे. और यहां पर ये यूनिट कंप्लीट होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. It's been a roller coaster, but you stayed, and now.